जब तय किया गया कि आज का दिन के सारे सदस्यों के आपका बोले बोले आप बोले आप बोले बोले आप इस तरह का व्यवहार वहाँ देखने को मिला। हम सब लोग एक उम्मीद लेकर के गए थे कि पक्ष और विपक्ष के सदस्य वहाँ विधानसभा में जाकर के अपनी बात रखेंगे, नवाचार करेंगे। हमने विधानसभा क्षेत्र में जनता जनार्दन के लिए किस तरीके के काम किए वो लोगों को बताने का मौका मिलेगा। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल रहा दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कांग्रेस के सारे सदस्यों की निंदा करता हूँ। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में मजाक बनाकर रख रखा है सदन को। मैं भी छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्टी का भी अध्यक्ष रहा हूँ, जिला प्रमुख रहा हूँ, पहले भी विधायक रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं। और जो कांग्रेस के नए जीत के आए ना, उनको एक प्रशिक्षण की अलग से जरूरत है, ताकि उनको जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनको पता नहीं लगेगा कि लोकतंत्र में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। विधानसभा की अपनी एक मर्यादा होती है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सदन में देखने को मिला वो अच्छा नहीं था, और जो अध्यक्ष महोदय के खिलाफ उंगली उठाई गई और उन पर जो आरोप प्रत्यारोप किया वो बाहुबली जैसा रूप देखने को मिला, तो इसकी निंदा करता हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कुछ नए विधायकों को प्रशिक्षण की जरूरत है कि किस तरीके से विधानसभा में अध्यक्ष की एक मर्यादा होती है, और हम एक कानून की किताब से बंधे हैं, उसका पालन करना भी विधायक का कर्तव्य होता है, इसका जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। जनता देख रही है, जनता की गाड़ी कमाई पे विधायक आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें क्या संदेश देती है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि आज ये था कि माननीय विपक्ष के सदस्य भी बोलते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य भी बोलते हैं, और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, सीखने को मौका मिलता है कि जिस सदस्य ने अगर अच्छा काम किया था विधानसभा में उस नवाचार को हम भी करें। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ और फिर कोई वापस मानने को तैयार नहीं है, तो अध्यक्ष जी के ऊपर भी उंगली उठाएगी, तो इसकी निंदा करता हूं।